नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं जी एंगुलर मोमेंटम को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो है जब भी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में मूव कर रहा हो तो वो एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट के लिहाज से जहाँ से एक्स ऑफ रोटेशन पास कर रहा होता है उसके लिहाज से अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करेगा। और हम एंगुलर मोमेंटम को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर यहाँ पे रेडियल वेक्टर है, पी यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम डिफाइन करते हैं एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और एल की जो डायरेक्शन है वो अलॉन्ग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो एंगुलर मोशन परफॉर्म करता है उसका एंगुलर मोमेंटम लाजमी तौर पर होगा। एंगुलर मोमेंटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल का भी होता है, और जैसे आप एटम की बात कर लेते हैं, एटम में आप इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भी एंगुलर मोमेंटम रखता है। और जो हमारे पास हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हमारी ज़मीन है उसका भी एंगुलर मोमेंटम होगा। अब हमारी ज़मीन जो है कि वो क्योंकि एंगुलर मोशन कर रही है किस तरह से कि वो स्पिन मोशन भी परफॉर्म कर रही है और वो ऑर्बिटल मोशन भी परफॉर्म कर रही है, इसलिए हम उसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन करेंगे और उसके एंगुलर मोमेंटम को भी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन करेंगे। स्पिन यानी कि वो अपने ही एक्सिस की जो रोटेट कर रही है उसकी वजह से भी उसका जो है वो एंगुलर मोमेंटम होगा। इसके अलावा वो जो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है उसकी वजह से भी उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर किस कोई भी ऑब्जेक्ट जो एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा जो है वो सेम रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। लीनियर मोशन में हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं जी, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो, लेकिन एंगुलर सिस्टम्स में हम एक्सटर्नल टॉर्क जो है उसकी बात करते हैं कि जी कोई एक्सटर्नल टॉर्क अगर एक्ट ना कर रहा हो हमारे सिस्टम पर तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। और एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर सम अप कर देंगे, वो कांस्टेंट रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना कर रहा हो। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये स्मॉलेस्ट लेवल से यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की मोशन और उसके एंगुलर मोमेंटम के लिए भी कंजर्व रहता है। इसके अलावा जो हमारे पास हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट है अर्थ है या और मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं उसके लिए भी ये सेम लॉ ऑफ, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये होल्ड करता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, कि जी हमारा जो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल होता, एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है आई ओमेगा के। और हम अगर कहें कि जी इनिशियली हमारे जो एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का उसे वो आई वन ओमेगा वन था और बाद में जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो आई टू ओमेगा टू हो जाता है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका मतलब यह है कि जी प्रोडक्ट है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड का वो हमेशा सेम रहेगा। यानी कि अगर किसी वजह से हमारी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ जाता है तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट ने जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहना है, और अगर एंगुलर स्पीड जो है वो कम हो जाती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम हो जाता है तो एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जब उसका रेडियस बढ़ जाता है तो रेडियस के बढ़ने से क्या होगा, रेडियस के बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ जाएगा तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही जो है वो रेडियस कम होगा यानी कि जो है आप तो रेडियस कम होगा तो रेडियस कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा, एम आर स्क्वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। रोटेशनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम सपोज करते हैं जी हमारे पास एक डिस्क है जो कि एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और उसमें डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं डिफरेंट रेडियस पर। आर वन जो है
वो कोरिस्पॉन्ड करता है एम वन को, और उसका उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो हम वी वो हमारे पास वी वन है। इसके अलावा एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम टू है, उसका रेडियस आर टू है। इस तरह से ये जो डिस्क है, ये जो एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसमें डिफरेंट पॉइंट्स होंगे और डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनका रेडियस और हम उनकी वेलोसिटी डिफाइन करेंगे। और अगर आप उनकी टोटल जो कंप्लीट डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप इंडिविजुअली पहले हर पॉइंट के लिए उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसे हम सम अप कर लेंगे, तो वो हमारे पास टोटल नेट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी जो कि इक्वल होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रोल हो रहा हो, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल हो रहा होता है तो वो दो किस्म की मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। एक जो है वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, रोटेट करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। इसके अलावा वो ट्रांसलेटरी मोशन भी परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है हाइट h पर डिफाइन की जाएगी एम जी एच से, लेकिन अगर वो l डिस्टेंस कवर करके इंक्लाइन प्लेन पर रोल होता हुआ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो बिल्कुल बॉटम पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो तरह की होगी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बॉटम पे जो है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, हाफ एम वी स्क्वेयर यानी कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम जो है देख कैलकुलेट करें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज़ को जो इंक्लाइन प्लेन पे मूव करते हैं, तो जी हमारे पास ये सेम रिलेशन जो कि यहाँ पे भी दिया गया है जो है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके, तो हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी जो है वो स्टार्ट से और बॉटम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉटम पे जो हमारे पास डिस्क या सिलेंडर की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरह वो हमारे पास होगी 4/3 gh। इसके अलावा अगर आप हूप की कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास होगी स्क्वायर रूट जी एच। अगर आप स्फेयर की कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास आएगी 10 gh/7। और अगर हमारे पास जो स्फेयर है वो होलो है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो स्पीड आ जाएगी 6 gh/5। अब अगर आप ये जो हमारे पास चार किस्म के ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्क है या सिलेंडर है, हूप है या और रिंग है, स्फेयर है और एक हमारे पास होलो स्फेयर है, अगर आप इनको जो है इंक्लाइन प्लेन पे मूव करवाएं, इनकी एक किस्म की आप जो है ना रेस करवाएं, तो हम नोट कर सकते हैं कि जो स्फेयर जो है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो है वो डिस्क लाइन को क्रॉस करती है फाइनल लाइन को, फिर उसके थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास जो है वो होलो स्फेयर जो है वो पहुंचता है, और सबसे आखिर पे रिंग या हूप जो है वो फाइनल लाइन को क्रॉस करेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा वेलोसिटी जो है वो सॉलिड स्फेयर की है, दूसरे नंबर पे हम डिस्क की है या सिलेंडर की है, तीसरे नंबर पे हमारे पास होलो स्फेयर की है, और लास्ट पे जो है वो हूप या रिंग जो है वो फाइनल लाइन क्रॉस कर रहे हैं। हमारे पास कुछ MCQs हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम पोजेस डैश एंगुलर मोमेंटम। एक जो इलेक्ट्रॉन है जो कि एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आपने उसके एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करने हैं जी, वो एटम के अंदर कौन कौन से एंगुलर मोमेंटम रखता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम रखता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रखता है, बोथ ए और बी रखता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जी सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन भी कर रहा है और जो है न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो ऑर्बिटल मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होगा और उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होगा। इसके अलावा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो मुख्तलिफ किस्म की गेम्स में भी अपना रोल प्ले करता है। इसी से रिलेटेड MCQs है जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट इन मैनी स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग। वो कौन सी खेल है जिसमें जो है वो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसबॉल में, हॉकी में, जिमनास्टिक्स में या स्केचिंग में? तो जी हम इसमें बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। जिमनास्टिक के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के करतब दिखाने के लिए जो है वो दो जो है ना जो प्लेयर्स हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को यूज़ करते हैं।